5 मिनट हो गए भाई, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है। ये अलास्का की प्लेट है येलो वाली। ये जो नीचे कारों की लाइन लगी हुई ना, इसे आगे जाने के लिए रोड नहीं है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला होनी चाहिए। इस व्लॉग का ना स्टार्टिंग पार्ट मेरे से डिलीट हो गया, तो मैंने दोबारा इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और एक और बात, आप लोगों ने अपना नया चैनल देखा कि नहीं देखा? अभी बहुत सारे लोगों ने अपना नया चैनल के ऊपर जाके एक झलक भी नहीं डाली भाई, जाके देखो कर्न ऑन व्हील्स। उस पर मैंने एक रीसेंट नई वीडियो शूट की है, उस पर एडिटिंग करके बस 2-4 दिनों में डालने वाला हूँ। और शुक्र है आप लोगों का तहे दिल से, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है सीरीज को। आ जाओ भाई, हाईवे के ऊपर ट्रैफिक था तो बाद में देखो, ये रोड के ऊपर देखो, ये देखो, ये फ्लावर देखो रोजी कलर के, इससे मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ पे कोई शोल्डर के ऊपर टायर लेके जाता ही नहीं, जाएगा कौन? सारे दिन में 5-7 तो गाड़ियां निकलती होगी यहाँ से। ये रोड सारा पक्का है, लेकिन हालात इसकी भी ऐसी है, जंगली है पूरा। देखो कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता भाई, किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई फंसा है तो फंसा रहेगा मेरे ख्याल में 1-2 दिन। कभी सर्विस आएगी नहीं आएगी कुछ मालूम नहीं है। जहाँ बंदे कम होते हैं वहाँ कुदरत ही कुदरत है, जहाँ बंदे ज्यादा है वहाँ फैक्ट्रियां लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो वहाँ कुदरत कम हो जाएगी। अभी देखो सारी कुदरत ही है, रोड के साथ में भी कुदरत ही है। शुक्र है भाई यहाँ पे भी कोई आया, एक पिक्के वाला आया देखो। दुनिया है। ओ एक और आ गया, ओ पार्टी। इसने बड़ा साथ दिया है भाई। मैंने ऑलमोस्ट हर वो जगह में ड्रोन उड़ाई है जहाँ जो मेरे को अच्छा लगा। अभी देखा कितनी बड़ी लेक है और दिल खुश हो गया आपका अपने आज। हाँ आपने तो कल रात वाला व्यू देख के ही लाइक ठोक दिया होगा, लेकिन अगर नहीं ठोका तो फिर भी ये वाले व्यू की इज्जत रखो भाई, और ठोको लाइक। सेंटर में करके बैठ गया भाई। मैंने रास्ता मांगा भाई, रास्ता दे दे, आगे से कोई नहीं आ रहा था, जा रहा है 60-70 के ऊपर, मजे लेता हुआ। हमारे मजे क्यों छीन रहे भाई? मोटर होम वाले चिल करते हैं भाई। आई वाह, ये बात इसने बहुत सियाणी की। बोलता है इंडिकेटर लाके बोलता है आजा। थैंक यू ब्रदर, एप्रिशिएटेड, थैंक यू कर देते हैं उसका। वो हैगा कोई, ओ टीटू, इनका क्या मालूम भाई, लाल लाइट करके खुद खाना खा रहे हैं उधर बैठ के। यूकॉन में आके किसी चीज पे कोई भरोसा नहीं है भाई। मजे से बिस्कुट खा रहा था, सारा मजा खराब कर दिया। कोई है बंदा के ऐसे रेड की हुई इन्होंने? पांच मिनट हो गए भाई, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। साइड वाला बॉक्स खुल गया, देखा जाएगा जो होगा। इनमें कोई बंदा नहीं है, शामिल है यहाँ पे। ये गाड़ी लगी हुई इसमें भी कोई बंदा नहीं है। वो आया ओए, आगे से आया, आया आया ओए आया। अभी ये लोग चलाएंगे। हैं भाई हैं, बंदे काम करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं करते। Nobody is there, so I think बोलता कि हम काम करते हैं भाई, आप लोग काम करते हो, लेकिन मालूम कहाँ पड़ता कि आप लोग काम करते हो कि नहीं करते हो। बोला अभी मैं आऊंगा और आपको लेके जाऊंगा, एस्कॉर्ट करेगा भाई, एस्कॉर्ट। हमको तो भाई वो स्टॉप साइन वाली मैडम या आंटी या कोई बंदा चाहिए होता है जिसको मालूम होगी भाई यहाँ रुक जाओ, हम तभी रुकते हैं। ओ आया टीटू, सारा मजा खराब कर दिया बिस्कुट का। अच्छा भाई ये पायलट व्हीकल है, इसके पीछे पीछे जाना होता है। 2 दिन हो गए पुलिस वाले की कोई गाड़ी नहीं देखी, तो देखा हमारा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। इशारा दे रहा है, चंगा जी सत श्री अकाल भाजी। वाटसन लेक से कभी भी 4 नंबर हाईवे लेके नहीं आना है, वैसा जब भी फेरों के लिए निकलना है तो कारमैक्स आओ, शहर का नाम है, छोटा सा टाउन है, और कारमैक्स से वापस 4 नंबर लेके आओ ईस्ट,
वहां से भी चार आता है, लेकिन सारा पक्का रोड है। ये सारा पक्का मिला मेरे को, जो हमारे साथ बीती है रात को वो किसी और के साथ में बीतनी नहीं चाहिए भाई। जहाँ इधर दे जहाँ इधर एक पासे हो जो यार। मोटर होम बड़े घूमते हैं यहाँ पे, ये भी मोटर होम है, मेरे पीछे भी मोटर होम आ रहा है। क्या बोलते हो, मोटर होम लेना चाहिए रेंट के ऊपर के नहीं लेना चाहिए? अभी आगे वाले का दिमाग देखो कितना खराब है, इसने यहाँ पे रोक लिया, मेरे को रास्ता दिया। अभी देख रहा है पीछे शीशे में, भाई मेरा तो उधर ही रुक गया। भाई तेरा रुकेगा ही, तेरे खुजली हो रही है भाई, 30 की स्पीड पे जा रहा है, सारी ट्रैफिक तेरे पीछे पीछे आ रही है। ओ मेरे को आ गया, अभी दिख नहीं रहा आगे। सबर कर, सबर 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 सबर। नीचे ही उतार लिया उसने, नीचे ही उतार लिया। कारमैक्स एयरपोर्ट, फैरो का भी एयरपोर्ट था। मैं हैरान हूँ, रेंज इनके पास नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, लेकिन भाई एयर स्ट्रिप हर छोटे छोटे गांव में एक छोटी सी हवाई पट्टी बनाई हुई है। एमरजेंसी छोटा प्लेन आता भी है जाता भी है हर एक छोटे छोटे गांव में। ये इनकी खासियत है देखो, क्योंकि सर्दियों में रोड कभी बंद हो गए, गर्मियों में पानी ज्यादा आ गया, कुछ भी है, एमरजेंसी पड़ गई, ये बड़ा एरिया खत्म हो गया। कारमैक्स 2 किलोमीटर नेक्स्ट लैप। अगर लेफ्ट करते हैं 3-4 किलोमीटर अंदर जाते हैं टाउन में, तो मेरी ख्याल में अपनी आगे वाली डिलीवरी आज रह जाएगी। वैसे तो मैं वहां ही हो गया था जहां मैंने खाली किया, अभी बस मेरा प्लान है कि सीधा डिलीवरी में पहुंचने की कोशिश करते हैं। डिलीवरी कौन सी पास में, अभी भी 350 किलोमीटर यहां से डिलीवरी है। ये यूकॉन रिवर है जो हमारे साथ साथ में आपको दिखाई दे रहा है ना, यूकॉन रिवर है। ये कहां है भैया, कोई दुकान है या कहां है? अगर दुकान है तो हम रुकेंगे। कोल्ड बियर ऑफ सेल्स इंटरसेक्शन के बीचों बीच भाई एक आइसक्रीम की शॉप है, वो देखो। लेकिन अकेली आइसक्रीम में अपने मतलब कुछ नहीं भाई, इनसे दरख्वास्त करेंगे जब हमारे उधर इंडिया में जहाँ पे भी कोई इंटरसेक्शन या दो हाईवे मर्ज होते हैं ना, तो वहाँ पे भाई शिकंजवी की दुकानें होती है, फलों की दुकान होती है, रेस्टोरेंट होते हैं। इन्होंने एक छोटी सी आइसक्रीम की दुकान डाली हुई है बस, इतने बड़े दो हाईवे मर्ज कर रहे हैं भाई, 4 नंबर और 2 नंबर। दो ही बड़े शहर है, एक व्हाइट हॉर्स एक डॉसन सिटी। व्हाइट हॉर्स हमारे 200 किलोमीटर पीछे रह गया और डॉसन सिटी अपने को 350 किलोमीटर वो पहाड़ के उस पार है। ये बड़ा हाईवे ना, चढ़ाई आई तो देखो दो ट्रैक हो गए। ये जाता है भाई अलास्का को अंदर यूएसए में। छोड़ाए हम वो गलियां। एप्पल का रेट 8 रुपये। रेट देखो भाई, यहाँ पे छोटा सा स्टोर है, यहाँ पे मैंने सोचा ले लूज पकड़ लेते हैं, नींद बहुत आ रही है। लेज मेरे को कहाँ मिल नहीं रहे यार, ये मिल गए भाई चिप्स, और साथ में कोई जूस और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। बोलते हैं निकालने से पहले जिम्मेवार आप हो। डोंट यूज बैक पैक्स, और ये जो बंदे की फोटो लगी हुई ना, ओ वाओ डॉगी, ओए पूरा पैकेट चाहिए तेरे को। 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उनको एक ही शॉप पड़ती है, ये वाली आसपास। यही एक छोटी सी कन्वीनियंस स्टोर है जहाँ से आपको ऐसे वाला सामान मिलेगा भाई। सारे ट्रक वाले रुक रुक के जा रहे हैं जिन्होंने आगे जाना है। यहाँ पे ना ड्रोन शॉट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं आने के टाइम में उड़ाऊंगा, अभी मेरे को थोड़ी जल्दी है। बताना भूल गया, एक लेज का पैकेट और एक जूस की छोटी बोतल $9.50। ये यूकॉन है भाई, और स्टोर भी अकेला और रश भी बहुत और सामान महंगा। ये वो है नेटिव पीपल होता है, नेटिव वो है। ऐसे वाले ब्रिज कर करके भाई मेरे को तो याद हो गया भाई भी जंगले में कितने लोहे के गाटर लगे हुए हैं और बल्लियां लगी हुई है। कार वाले को डाउट हो गया, कार वाले को डाउट हो गया भाई 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 भाई, भाई मेयो और केनो सिटी राइट है, और जिन्होंने डॉसन सिटी जाना है 2 नंबर पे वो ऐसे ही जाओ। कंस्ट्रक्शन वालों का अलग ही कानून है भाई, यहाँ पे फिर पायलट कार की वेट हो रही है। थोड़ा और बारिश आ जाए ना, ये जो गंदी टार पे ये भी हमारी साफ हो जाए। 4 बज गए इन लोगों के और अभी तक पायलट वाला बंदा आया नहीं। 15 मिनट लिखे हुए इनके बोर्ड के ऊपर, लिखे हुए यहाँ पे भी वेट फॉर पायलट कार अबाउट 15 मिनट। अगर मैं 5 बजे से पहले पहुंच गया तो मेरा ट्रक आज ही खाली हो जाएगा, फिर हम कल सुबह 6 बजे जितने बजे भी उठेंगे निकल सकते हैं। अगर आज खाली नहीं हुआ फिर वो बंदे कल सुबह काम पे 8 बजे आएंगे, 8 बजे के आने के बाद में वही 9-10 बजे खाली होगा, तब जाके निकलेंगे। रास्ता सही है, रास्ते में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वही ग्रेवल रोड आ जाता है बीच में, बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है,
ये चीजें ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं। बाकी इस रोड के ऊपर रौनक भी है, ट्रैफिक है, कोई आ रहा है कोई आ रहा है। देखो मेरे आगे दो गाड़ियां और मेरे पीछे देखो वो कनवर्थ ट्रक वाला जो हमारे पीछे पीछे आ रहा था वो भी आ गया। ओहो मच्छर आ जाएगा अंदर। मच्छर भाई यहाँ पे भी है। मैंने सोचा भाई मैनिटोबा से सस्केचवान में, हाँ वहाँ का मच्छर का साइज ये वाला है, यहाँ के मच्छर का साइज छोटा है लेकिन मच्छर है बहुत। थोड़ा सा आप बड़े बाहर खड़े हो जाओ तो बस 5 मिनट के अंदर अंदर आपके आसपास इतना मच्छर हो जाएगी आप खड़े नहीं हो सकते बाहर। की पूरी टावर है देखो भाई, 5-7 कारों का काफिला लेके घूमता है। अभी इधर से तो 2 ट्रक 3 ट्रक हो गए, 3 ट्रक साथ में लेके जाएगा इधर। पूरी मंत्री वाली फीलिंग ले रहा है देखो। पहले हम अकेले थे ना वो रोड के ऊपर, हम निकल पड़े थे। यहाँ पे भाई काफी रौनक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है। वो यहाँ पे पायलट कार वाला बंदा नहीं, पायलट कार वाली बंदी है। ओह देखो पिकअप बैक कर रही है 2-3 बार आगे पीछे करके, मेरे को लगता है नीचे से घुमा देगी ऐसा कच्चे से। नहीं अभी तो 5 बजे नहीं पहुंच सकते, ये अगर मैं यहाँ पे ना रुकता तो मैं पूरे 4:30 बजे लोकेशन के ऊपर पहुंच रहा था और मेरा ट्रक आज ही खाली हो जाता, मैं टेंशन फ्री होके आराम से टांगे फैला के सोने वाला था। अरे जब ट्रक कच्चे में उतरता ना भाई, मेरे दिल को ऐसा ऐसा होता है, कच्चे में ठप 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 बजता है, मेरे को डर लग रहा था कोई ना कोई पैप ना टूट जाए, कुछ होना जाए नीचे से। ट्रक बड़े नाजुक होते हैं, कोई भी चीज टूट सकती है। जो ट्रक हम देखे ऐसे ना, ये दुबई में मैंने बहुत देखे, इसलिए अपने को ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होता इसको देख के। हमारी कंपनी में तो नहीं थे लेकिन वहाँ बहुत काम करते थे हमारे आसपास। चल 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 सारा प्लेन कर दे भाई प्लेन। हाँ ये बड़ा गड्ढा भी, हाँ 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 इतनी चढ़ाई है आपके भाई की। देखो मेरे आगे आगे देखो एक रोलर जा रहा है, सारा सही करता हुआ जा रहा है। इसको इज्जत बोलते हैं भाई, मैंने कभी मान ही नहीं किया अपने ऊपर। शुक्र है बाबा जी, जो पक्के यूकॉन को चलते हैं ना उनके आगे ये प्लेट लगी हुई थी। ये अलास्का की प्लेट है, येलो वाली। अलास्का अभी नेटवर्क कम है, मैं आपको जाके दिखाऊंगा। बिल्कुल अलास्का के पास में ही खड़े हैं, ज्यादा दूर नहीं है हम लोग। अभी पैसा अकाउंट में डाल दूंगा तेरे। ओह मैं भूल गया, पीछे 9% ग्रेड का बोर्ड लगा हुआ था। और ट्रक की स्पीड देखो एकदम बढ़ गई ना। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है ना तो मैक्सिमम पे लगा के थोड़ा थोड़ा ब्रेक को टैप कर लो। अगर वजन ज्यादा ऐसा हो गया फिर रोकना बड़ा मुश्किल है भाई। फिर तो बस एक बार जोर से ब्रेक मार के जल्दी जल्दी 2-3 गियर डाउन कर लो। वो साइकिल वाला देखो भाई जल्दी जल्दी में हो गए बार बार 5-7 बार आपने पैडल पे ब्रेक के ऊपर टैप कर दिया, ब्रेकिंग हार्ड हो जाए। टैप करने का मतलब होता है ऐसा टैप करके छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दबा के रख ली जोर से ट्रक रुकेगा नहीं, लेदर हार्ड हो जाएंगे गर्म होके और आग भी लगने के चांस है और ब्रेके तो लगनी नहीं है ना। शुक्र है पुलिस की गाड़ी देखी हो, पुलिस की गाड़ी, पुलिस है भाई यूकॉन में। टाउन बड़ा खूबसूरत है लेकिन ये मेरे को प्रिंसेस के ऊपर राइड मरवा रहा है, प्रिंसेस के ऊपर मैंने राइड मारनी नहीं है। इतने ज्यादा भाई ट्रैवलर घूम लेना यहाँ पे और टाउन बाकमाल, बाकमाल टाउन है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, बीच में रिवर जा रहा है और रिवर के बीचों बीच डॉसन सिटी है भाई। ये कौन सी है, ये क्वीन है। क्वीन भी नहीं चाहिए भाई, अभी पीछे वाली क्वीन थी, ये वाली किंग स्ट्रीट है। ये चाहिए अपने को यॉर्क। यहाँ पे फ्लैशर लगा देते हैं, ये लगती है मेरे को कंपनी साइड में। कोई बंदा बुंदा दिख नहीं रहा भाई, मेरे को लगता है रात को ऐसे ही सोना पड़ेगा। वो लोग चले गए, वो हॉलीवुड की फिल्में होती है ना, वो हॉलीवुड की फिल्मों वाला टाउन है ये। सारे गोरे हैं भाई, किसी स्टोर पे जाएंगे शायद हो सकता है अपने बंदे भी मिल जाए, लेकिन ऐसे सब गर्व जो लग रहे हैं दिख रहे हैं सब गोरों के ही है। जब वजन हल्का होता है ना ऐसे यू मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अब तक क्या करते हैं टार्प की बंजियां जो है ना लूज कर लेते हैं सारी हैं। नया बंदा हूँ भाई, मेरे को टाइम लगता है टार्प खोलने में। अगर इन्होंने खाली कर दिया ना खा पी के यहाँ पे सो जाएंगे, सुबह उठ के भाई 5-4 बजे गेयर मारेंगे। खिलाना डाल दिया भाई, मी पड़ते में टार्प पहले इकट्ठी करेंगे फिर ये बाद में। ये ले गया अपनी बॉबकैट। किसी चीज का जुनून किस हद तक होता है देख लो भाई, करेंगे करेंगे जैसा भी होगा करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात चकड़ी भाई के पास होगी, इसके बॉक्स बहुत भरे हुए हैं, ट्रेलर के ऊपर का टूल बॉक्स नहीं है, मिल नहीं रही भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। टायर पता क्यों कटी की है, फोरक्लिफ्ट बड़ा खाली करके चला गया, टायर मेरे से ट्रेलर ऊपर नहीं रखी जाएगी भाई। ओह बहुत ज़्यादा तेज हो गई यार, देखो
पहाड़ों की बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। 5 मिनट रुक जाए यार, यही सबसे मुश्किल काम है भाई, कर दे मेरा ये काम। बंदे बड़े चंगे हैं यार, ये गोरा बहुत अच्छा है। मेरी टायर रखा दी, और क्या चाहिए, खाली भी कर दिया। स्टॉक अपने को और भी आ गया भाई, किसी को चाहिए तो बता देना। टूल बॉक्स भर गया भाई का अभी, फुल बड़ा फुल। क्या करूँ मैं, कहाँ रखूँ भाई। ये एक ना लीक हो गई, अभी डेप अपने पास है, ऐसे ले ली मैंने दो, एक की जरूरत पड़नी थी, लेकिन पहली बार से ना सेफ्टी चंगी है। हाँ अभी मजा आया भाई। कपड़े चेंज कर लिए भाई, कितनी गंदी सोच रखते हैं बीच बीच में बंदे यार, थोड़ा हिसाब लगाया करो। वो तो मैंने उधर से इधर रखे हैं, थोड़े गीले मैं सूख जाएंगे, सीट के ऊपर रखते हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, हाफ शावर ले लिया बाहर, पानी निकाल के भाई पीने वाला, 2-3 बोतलें लगा के सर के ऊपर, मुंह को सारा कुछ साफ कर लिया। मैं सारा डाटा ट्रांसफर करके सोने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ से ड्रोन उठा के देखनी अगर उड़ गई तो, और आपको मजा आ जाएगा। सारा टाउन हमने ऐसे ही दिखा देना चुटकियों में। ये जो नीचे कारों की लाइन लगी हुई ना, इसे आगे जाने के लिए रोड नहीं है। अगर आपको इसे आगे जाना है, रोड है, लेकिन आपको यहाँ से फेरी पकड़नी पड़ेगी, और यहाँ से फेरी लेके आपको ये रिवर क्रॉस करके, रिवर के ऊपर ना ब्रिज बनाया नहीं इन्होंने। और ये देखो दूसरी साइड में अभी फेरी गई हुई है, जो फेरी आप पहले देख रहे हो शिप, वो ऐसे आर पार लेके जाता है यहाँ से। ये देखो ये शिप लगा हुआ है ना, ये वाला, ऐसे भाई ऐसे आदान प्रदान करते हैं यहाँ से पूरी ट्रैफिक को। यहाँ से फेरी लेनी पड़ती है डॉसन सिटी से आगे जाने के लिए। अभी वो देखो कारें उतर रही है ना, वो कारें उतार दी, अभी ये फेरी फिर वापस आएगी, दूसरे बंदों को उठाएगी। इसका टाइम होता है रात को कितने बजे ये बंद हो जाती है। मैं यहाँ से ना ऐसे डाल के देख रहा था, मैंने बोला देखते हैं ये डॉसन सिटी है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से 106 किलोमीटर लेके जाएंगे ना तो ये लिटिल गोल्ड है। यहाँ पे कनाडा ख़त्म हो जाएगा और अलास्का यूएसए में एंटर हो जाएंगे। ये बॉर्डर है, ये देखो द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे क्लोज्ड विंटर्स। ये हाईवे विंटर में बंद रहता है, ये देखो लिखा हुआ है टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे क्लोज्ड विंटर्स। बोलते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हाईवे जो यहाँ से जाता है 106 किलोमीटर आगे, मेरे ख्याल में फेरी लेके ही जाना पड़ेगा, यहाँ से फेरी लेके आगे जाना पड़ेगा। और ये वाला जो रोड है विंटर में बंद हो जाता है, सिर्फ गर्मियों में खुला रहता है। जैसे विंटर है ना, तो विंटर से मेरे ख्याल में फेरी के आगे वाला रोड बंद कर देंगे, या बॉर्डर के यूएसए वाले अपना रोड बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इसलिए अलास्का विंटर में बंद हो जाता है और सर्दियों में गर्मियों में चालू रहता है। तो भाई ऐसे ऐसे टच करके जा रहे हैं भाई अलास्का को, ऐसे टच करके। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो ना और टाइम हो, तो मैं यहाँ पे ट्रक खड़ा करके 1-2 दिनों के लिए यहाँ से रेंट करूँ कार, और अलास्का को ऐसे टच करके आ जाऊँ। पासपोर्ट नहीं लेके आए, पासपोर्ट घर में रह गया। दूसरी बात है कि ट्रक लेके आए जिम्मेवारी है, थोड़ा अच्छा खाते हैं आज, क्योंकि लोड हमने खाली कर लिया ऊपर वाले की कृपा से। इतनी दूर आगे घर से 4000 किलोमीटर हो गया विनीपैग से, यहाँ से विनीपैग डाल के देखो एग्जैक्ट कितना है मेरा घर, कितना है यहाँ से। फैरो एक साइड में रह जाता है, अभी वॉटसन लेक से वाइट हॉर्स और ये वाला एक लाइन में रह जाता है। फिर भी यहाँ से मेरे को वाइट हॉर्स जो है, वॉटसन लेक जो है, मेरे ख्याल में 1000 किलोमीटर के पास में होगी। वॉटसन लेक 969 है यहाँ से, वॉटसन लेक 1000 हो गया, और मैं वाइट हॉर्स डाल के देखता हूँ कि वाइट हॉर्स कितना है। 600 के पास में वाइट हॉर्स होगा,
साढ़े पाँच सौ यहाँ से वाइट हॉर्स है। 7-8 घंटे की ड्राइव है क्योंकि लेह लद्दाख वाले रोड हैं, टाइम बहुत लगता है। ये देखो भाई कितनी अच्छी झोंपड़ी बनाई हुई है, रात को आप यहाँ रह भी सकते हो। रेडियो स्टेशन है सिटी का, ये अलीजा बिल्डिंग, ये है डाउनटाउन का होटल, ये सारी स्ट्रीट है, दुकानें ही दुकानें हैं भाई। एक बाइकर खड़ा है। ऐसे शहरों में आके ना मज़ा बहुत आता है भाई, ज़िंदगी अलग ही हो जाती है बंदे की। मैं लाइट ले गया भाई शहर को, शहर में तो रौनक ही बहुत है। आखिरी शहर है जो बाय रोड है, इसके बाद में फेरी आपको दूसरी तरफ उतारती है, फिर अलास्का जा सकते हो यहाँ से। बाकी अलास्का जाने के लिए और भी रोड हैं। टारपेन डलवा के ना हमारा बुरा हाल करते हैं ड्राइवरों का। और ये सारा मटीरियल पड़ा हुआ है, ये देखो सारे शहर में इकलौता आपके बाइक का ट्रक लगा हुआ है। और अभी जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है कितनी शांति हो रही है यहाँ पे, एक तरफ पिज्जा एक तरफ लैपटॉप। बस करते हैं भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये भी। मेरे को अभी टेंशन हुई पड़ी है कि मैंने ये व्लॉग काटने कैसे, क्योंकि टाइम नहीं लगता, मेरा काम ही ऐसा है 5-6 घंटे 24 घंटे में सोने को मिलता है जब ऐसे वाले ट्रिप के ऊपर निकलते हैं, बाकी 1-2 घंटे स्लीप के तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। कल रात को तो आपने देखा हालात क्या थी। लाइक किए बगैर मत जाना कोई भी, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि सीरीज देख के आपको कैसा फील हो रहा है। मेरे ख्याल में जितनी बड़ी मेरे को फेरी लग रही है, फेरी में ट्रक नहीं जाता, ये रोड के ऊपर मेरे ख्याल में ट्रक क्रॉस नहीं होता होगा, आगे इसके ट्रक नहीं जाता होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा, बाकी मेरे को पक्का मालूम नहीं। दूसरी बात है, ट्रक को लास्का लेके जाने के लिए दूसरा रास्ता है उधर, वो व्हाइट हॉर्स से थोड़ा आगे आके ऐसे रोड निकलता है। ये तो हम बहुत आगे आए हुए हैं, शुक्र है ऊपर वाले का कि व्हाइट हॉर्स के लास्ट एरिया में बैठे हुए हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट आप हर एक चीज़ ना मोबाइल के ऊपर सर्च मार के देख लिया करो, डॉसन सिटी यूकॉन टेरिटरी YT डाल के देखो, आपको मालूम पड़ेगा किस जगह में बैठे हुए हैं। जंगल में ट्रक का एक्सपीरियंस भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था, डर गया था मैं। काफ़ी टेंशन तो होती है कि अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे तो कोई कॉल नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई सर्विस नहीं आ गई, लेकिन जब ऐसे सारे काम बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला बंदे के साथ में बैठा होता है, वो सब देखता है। बाकी मेरा पिज्जा ठंडा हो रहा है, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। टिल देन अपना और अपने पर का ख्याल रखो, रब रखा। लेकिन ये टाउन से मेरे को इश्क हो गया, मौका मिलेगा जरूर घूमेंगे, लेकिन मौका कब मिलेगा ये मालूम नहीं है भाई, वो ऊपर वाला जानता है। Right, left, right, oh.